नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर राउंड ऑफ तकनीकी ट्यूजडे। मैं सेल्फ मेहुल कोठारी फ्रॉम द रिसर्च डेस्क आनंद राठी। तो बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी 19,800 के पास ट्रेड कर रहा है। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से तकरीबन 7-8 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट आर कंसोलिडेटिंग, बट पॉजिटिव बात यह है कि यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक मूव बहुत ही अच्छी आ रही है, एडवांस डिक्लाइन बहुत ही अच्छे रह रहे हैं। तो दिस इंडिकेट्स कि मार्केट एक टाइम वाइज करेक्शन मोड में है। यहाँ पर बॉटम से 1000 पॉइंट्स की रैली आई है। हम हमारे वीकली रिपोर्ट और काफी सारे जो न्यूज लेटर्स है उसके जरिए आपको बताते हैं। इनफैक्ट शायद पॉडकास्ट में भी आपको बताया था कि FII लॉन्ग शॉर्ट रेशियो अगर 10% के पास जाता है या चला गया था तो वहां पर मार्केट बॉटम बनाता है। तो 18,850 के आसपास निफ्टी ने बॉटम बनाया और हम वहां से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की तेजी देख चुके हैं। और वहां पर 1000 पॉइंट्स की वन वे रैली के बाद ये टाइम वाइज करेक्शन मोड में मार्केट चला गया और बहुत ही जल्द इधर एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ सकता है मार्केट में, बिकॉज काफी सारे इवेंट्स हैं आने वाले कुछ दिनों में। ये जो इलेक्शंस है, स्टेट इलेक्शंस, उसके आई गेस एग्जिट पोल्स भी आने वाले हैं। एट द सेम टाइम वी हैव मंथली एक्सपायरी ऑल्सो, सो वी एक्सपेक्ट कि यहां पर अभी थोड़ा बहुत मार्केट में इंडेक्स में मूवमेंट आएगा। पिछले 6-7 दिन से जो नहीं आ रहा है इंडिविजुअल स्टॉक्स में आ रहा है, वो चीज अब इंडेक्स में आ सकती है। ऑन द लेवल्स फ्रंट 19,600 इज द सपोर्ट फॉर दिस एक्सपायरी, सीम्स टू बी द सपोर्ट फॉर दिस एक्सपायरी। अपसाइड में मैं समझता हूं 19,900 के ऊपर एक रेंज ब्रेकआउट आएगा और बहुत ही जल्द हम नए हाईज की तरफ जा सकते हैं। एक सरप्राइज एलिमेंट यानी कि नए हाईज आ सकते हैं। पिछले 1-1.5 महीने पहले अगर बात करें हम तो किसी ने नहीं सोचा था बट ऐसा कुछ होगा, बट वी वेर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक। हमने हमारे रिपोर्ट्स में कहा था कि यहां पर बॉटम बन सकता है बिकॉज जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स बाय FIIs है वो 10% के करीब चला गया। और पिछले 2 साल में हमने देखा है, दो ढाई साल से जब भी ये डेटा इस तरह का डेटा दिखाता है यानी कि इस तरह के लेवल्स दिखाता है ओवरसोल्ड, तो वहां पर मार्केट्स बॉटम आउट होते हैं। तो एटलीस्ट एक शुरुआत तो हो गई है 1000 पॉइंट्स की रैली के साथ, तो होप सो हम नया हाई भी बहुत जल्दी बना दे। लेवल्स आपको बता दिए हैं। बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है तो दैट इज अ बिट वरी पिछले 1-1.5 महीने से, बट यहां पर बैंक निफ्टी के लेवल्स आप नोट डाउन कर सकते हैं 44,400। ये जब लेवल निकलेगा तो बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस का कंफर्मेशन आ जाएगा और वहां पर आउट परफॉर्मेंस शुरू हो सकता है। तो 44,400 इज अ ट्रिगर पॉइंट फॉर बैंक निफ्टी ऑन द अपसाइड। ऑन द डाउनसाइड 43,000 एक सपोर्ट है इस मंथली एक्सपायरी के लिए। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स पैन्स आउट। वी विश एंड वी फील दैट मार्केट्स आर गुड इनफ फ्रॉम हियर ऑन। यहां पर नए हाईज आ सकते हैं बट लेट्स सी एट द सेम टाइम, बिकॉज क्या है कि जियो पॉलिटिकल इश्यूज भी चल रहे हैं तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी थोड़ी बहुत है। तो यहाँ पर थोड़े बहुत हेज के साथ ही आप पोजिशन बनाए, एकदम ही रिलैक्स ना हो जाए हैवी पोजिशन बना के। थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है हमें, बस यही चीज का ध्यान रखना। ओवरऑल मार्केट्स तो हमें अच्छा लग रहा है, न्यू हाई की तैयारी हो रही है। सो विद दिस विल एंड दिस पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर लिसनिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.